अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों आज वो घड़ी आ पहुंची जिसका हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। जलसा सालाना जर्मनी 2023 जो कि जमात अहमदिया को जर्मनी में कायम हुए 100 साल के मौका पे आज हो रहा है। ये देखें जैसा कि तवक्को की जा रही थी जुमे का दिन है, अभी 11:30 हुए हैं, जुमा होने में अभी तकरीबन 1.5 घंटा है, जुमा स्टार्ट होने में आप कह सकते हैं। तो जो रश है उसकी हालत आप देख सकते हैं। मोटरवे पे अभी हम चढ़े हैं, साथ ये होटल था और ये जो लाइनें हैं ये जो कि तवक्को की जा रही थी कि घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे वेटिंग, ये अभी मोटरवे के ऊपर ये काम शुरू हो चुका है। हमारे पास सहूलत मौजूद थी, हम ट्रेन से भी आ सकते थे, लेकिन ये जो मंज़र ये जो नज़ारा है जो आप बीती है वो फिर आप नहीं देख सकते थे। या अब आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है या क्या, आगे लोग जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप उधर को निकलें या क्या वजह है, क्योंकि इस साइड पे ब्लॉक है हर चीज़। मुझे भी ये लग रहा है कि हमें ऊपर से घूम के आना पड़ेगा शायद, क्योंकि अगर इसी तरह ये ट्रैफिक चलती रही तो गालबन 1 घंटा हम ट्रैफिक के अंदर फंसे रहेंगे। तो जो प्रॉपर रास्ता था जो करीब था उस पर आपने रश देखा, पुलिस ने वहाँ नाका लगा के या बंद करके रास्ता दूसरी साइड से उन्होंने भेजना शुरू किया हुआ है। हम भी अब कोशिश करते हैं कि इस साइड से बैक साइड से जाके अपना जुमे पे टाइम से पहुंच सकें। अभी 11:30 का टाइम है और यहाँ ये हालत है, इसके बाद जब 12 और 12:30 का टाइम होगा फिर आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये देखें ऐलान चल रहा है कि इस साइड पे जर्मन जुबान में बार बार ऐलान कर रहे हैं कि फला फला जो आपकी लाइन, अगर आप उसमें रहेंगे तो आपको जगह खाली मिल जाएगी, वहाँ भी खाली है जगह, वहाँ भी खाली है जगह, देखते हैं कहाँ लगवाते हैं ड्यूटियाँ। ये वेटिंग टाइम के साथ ऊंचाई पे एक एक गाड़ी जो है वो अंदर जा रही है। ये हम पार्किंग पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं रश, लोग कैसे निकल के चल रहे हैं। इस पे तो जगह कोई नहीं मिली, अब चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं कि जगह दूर होती है कि करीब होती है। बाहर ये पार्किंग के अंदर देखें और देखें नीचे का रश। नहीं जी माशाल्लाह वो मनाजर जिसके लिए आंखें तरस जाती हैं पूरी दुनिया में कि जमात अहमदिया का कोई भी जलसा जिसमें खलीफतुल मसीह शामिल हो रहे हों उसकी कितनी अहमियत होती है। पार्किंग में माशाल्लाह बिल्कुल सामने मिल गई हाल आइंस जहाँ पे जलसा गाह है, और अब हम यहाँ लाइनों में लग के अंदर जाएंगे। कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है कि एक ऐसा मुल्क जो कि ईसाइयों का हो और वो भी जर्मनी तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ पे हज़ारों अहमदी वो इस तरह इकट्ठे हो रहे हों और इतने बड़े बड़े हाल जो आम तौर पे ये यूरोपियन जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो लेके किराए पे अपने अंग थे, लेकिन आज अल्लाह ताला के फजलों और एहसानात की बारिश देखें कि ये हाल जिसमें मेरा है 3 से 4 मिलियन यूरो तक खर्चा आता है उसमें जमात अहमदिया का जो जलसा हो अभी शुरू होने वाला है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं एंट्री के लिए, हम भी चलते हैं अंदर। ये बाहर आवाज़ें आप सुन रहे हैं हलम व सहलन व मरहबा मेहमानों की के लिए सास। ये मनाजर जो आप देख रहे हैं ये मेन जलसागाह जो आदमियों का है, उसके बाहर एक साइड से जो लाइनें लगी हुई हैं दूसरी एंट्रेंस गालबन इसकी बैक साइड पे भी है, और इसके साथ ये छोटे छोटे सेल्ट जो बनाए गए हैं इसमें मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं या दूसरे वो सारे, और मेरा ख्याल है कि इस साइड पे खवातीन वेट कर रही हैं अपनी अपनी बसों का, और इस साइड पे अगर आप देखें मैसेज टू ग्रेड कमीशन, इस तरह के 8 हाल हैं जो जलसे में इस्तेमाल हो रहे हैं।